से सर डेथ हो गए, डेथ हो गई है, ये स्टेबिलिटी है या फिर और कुछ? जिसको ऐसे ज़िंदगी बोलते हो उसकी तो स्टेबिलिटी यही है, मुर्दा बहुत स्टेबल होता है। वैसे तो हर समय जीवन भर हिलता डुलता ही रहा, कब्र में डाल दो फिर स्टेबल हो जाता है। दिक्कत यह है कि वहाँ भी रह नहीं पाता, कई बार भूचाल आते हैं और कब्रों में से मुर्दे उखड़ उखड़ के बाहर आके पड़ते हैं। जिसको तुम ज़िंदगी बोलते हो उसमें तो कुछ भी स्थिर नहीं है, लगातार सब हिल रहा है। जो स्थिर लगता भी है वो भी स्थिर नहीं है। जैसे अभी मुझे तुम स्थिर लग सकते हो, पर सच ये है कि मैं और तुम दोनों हजारों किलोमीटर की गति से आगे बढ़ रहे हैं, थाउजेंड्स किलोमीटर्स पर सेकेंड। तो ये जो जीवन है इसमें तो कहीं स्थिरता नहीं है, हो ही नहीं सकती। स्थिरता अपने उस बिंदु पे हो सकती है जो सब अस्थिरताओं को देख रहा है, आता जाता। जैसे समझ लो कि तुम जबरदस्त तूफान चल रहा है, उसमें सब हिल रहा है, तुम उस तूफान में खड़े हो पांव जमा के और तुम उसको देख रहे हो, तो क्या स्थिर है? जो सामने पेड़ हिल रहा है वो स्थिर है क्या? जो हवा चल रही है वो स्थिर है क्या? तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं वो स्थिर हैं? तुम्हारा शरीर भी स्थिर है क्या? बाल वाल उड़ रहे हैं, हो सकता है झोंका इतनी तेज आएगी तुम भी हिल जाओ, शरीर भी स्थिर है क्या? पर फिर भी कुछ है जो स्थिर है, वो क्या है? तो बस वही है जो स्थिर हो सकता है, बाकी तो सब अस्थिर ही रहेगा। उसको तुम कितनी भी कोशिश कर लो परमानेंट बनाने की, तुम कर नहीं सकते, तुम्हें दुखी मिलेगा। लोग इतनी कोशिश करते हैं वहाँ स्थिरता लाने की कि मकान बना लें बड़ा, तो क्या पता स्थिर हो जाएं। हाँ, सेटल हो जाएं, शादी वादी कर लें, पैसा इकट्ठा कर लें तो स्थिर हो जाएं। उससे किसी को स्थिरता आज तक मिली ही नहीं, लोग फिर भी वो बेवकूफ़ी करे जाते हैं। असली स्थिरता जहाँ है वहाँ पर जाओ, असली स्थिरता वही है। बाहर तो तूफान ही तूफान चलते रहते हैं, तूफानों के बीच में तुम खड़े हो, वहां पर क्या स्थिर हो सकता है? शरीर तो स्थिर नहीं हो सकता, विचार भी यदि आ रहे हैं तो वो भी स्थिर नहीं हो सकते, फिर भी वहां कुछ स्थिर हो सकता है। उसको जानो, कोशिश करो, ध्यान सब हिल डुल रहा है उसको देखो, तब बड़ा अजीब सा कुछ होगा। वो तो दिखाई देगा ही जो हिल डुल रहा है, अचानक ये एहसास भी होगा कि कुछ है मेरे भीतर जो नहीं हिल डुल रहा, जिसको ये तूफान छू भी नहीं सकता। तो बड़ा मज़ा आएगा, फिर डर निकल जाता है अंदर से, फिर तुम कहते हो आए जितने तूफान आने हो, हम हिलने वाले नहीं हैं, हमारा स्वभाव ही नहीं है हिलने का। ये नहीं कि यहाँ खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हो कि तूफान स्थिर हो जाए, एक तूफान स्थिर होगा तो दूसरा आ जाएगा। ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है कि तुम बाहर स्थिरता खोजो, बाहर स्थिरता मिलेगी नहीं, स्थिरता तो कहीं और ही मिलेगी।